आप लोगों ने सुना भाई यू के कह है, हमने किसान आंदोलन की इसी तीसी करी गई है, ये लवज इसके नहीं बनते भाई। ये भाई अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकार है नहीं। पत्रकार कौन होता है भाई जो जर्नलिज्म करे? जय किसान, जय छोटू राम। अभी आप सभी भाइयों से जो पत्रकारों का जो मामला हुआ है जींद में, उसके ऊपर आप सभी भाइयों से बातें करनी है। और आप लोग चलो भाई अपनी बात शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं तीन चार दिन से जो कर्मू का भाई है धर्मू, और उनके साथ वहां हमारे डिप्टी सीएम आ रहे थे जींद में, और वहां किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे। उस मौके पे धर्मू के साथ वहां कुछ बदतमीजी हुई है या किसानों में गुस्सा था किसी भी भाई में, वो बात घर में बैठ के सुलझ जाने की थी। जो भी कोई बात हुई है या इनकी तरफ से कैसे ही भी हुई है, वो बात वहां जींद उनका घर है। मेरे पास भी फोन आता, मैंने कहा भाई घर पे बैठ के पंचायत में बड़े से बड़े फैसले सुलटाए जाते हैं। पंचायत में जो कोर्टों में फैसले सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उनका पंचायत में एक घंटे में निष्कर्ष निकलता है, और पंचायत कभी किसी को दोषी को बख्शती नहीं। और वहां पे गलत फैसला भी हो जाता है कोर्ट में, लेकिन पंचायत में नहीं होता। किसी उस भाई का दोस्त था तो उनको कुछ वहीं पंचायत में कहते। और मैंने इन भाइयों को भी कहा था, मेरे पास भी फोन आया था भाई, तो मैंने भी यही कहा था भाई एक बार पंचायत में बैठ के ये मामला अपना निपटा लो, ये कोई बात नहीं है। आपस में भाइयों में झगड़े भी होते हैं और घर में बैठ के निपटाए जाते हैं। तो अभी मैं वीडियो देख रहा था, धर्मू ने जो कर्मू का भाई जिसके साथ ये मारपीट हुई थी, इन्होंने देखे कितनी बड़ी बात कही है। आप लोगों ने सुना भाई यू के कह है, हमने किसान आंदोलन की इसी तीसी करी गई है, ये लवज इसके नहीं बनते भाई। ये भाई अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकार है नहीं। पत्रकार कौन होता है भाई जो जर्नलिज्म करे, तब पत्रकार होता है। यूट्यूबर भाई हैं और हमने इनको मान सम्मान दिया, कोई नॉलेज नहीं थी इन भाइयों में इतनी, हमने इनको मान सम्मान दिया, अपने भाई हैं। तो इसको पूरे समाज ने इन भाइयों को आगे बढ़ाया है। आप ये इस तरह की बात न करें, आप पूरे किसान समाज को गाली देने की बात कर रहे हैं। ना ना, ये भाई बर्दाश्त से बाहर बात है, आप माफी मांगे, ये बात आपकी गलत है। आप इस बात को सोचो कि हमने जो ये आंदोलन के बारे में जो बात की, ये बात आपकी गलत है। हाँ, आपके ऊपर जो भी वहां घटना हुई है, हम भी कहते हैं इस तरह की घटना ना होनी चाहिए, लेकिन वो अपने घर में बैठ के बात होती ना। वहां पंचायत में जो भाई, मैंने ये कहा था पंचायत में बैठ के जिस भाई का दोष है उसको, वहां पे पंचायत किसी को बकसती नहीं, पंचायत किसी एक आदमी की नहीं होती, पंचायत नहीं बकसती। तो वो सारी बात बैठ के होने की, लेकिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें। और आप अपने को पत्रकार कहते हैं और इतना भी आप लोग अपनी वाणी पे संयम नहीं रख सकते, यह बात आपकी गलत है और इस पे आप एक बार माफी मांगे, ये बात बहुत गलत है। ये तो पूरे किसान समाज को गाली है, पूरे पूरे भारतवर्ष के अन्नदाता को गाली है। आंदोलन एक दो आदमी का नहीं है, आपका झगड़ा वहां 10 आदमी से हो गया होगा, 15 आदमी से हो गया होगा। ये पूरे देश का 80 करोड़ किसान है, 80 करोड़ अन्नदाता है। आप 80 करोड़ को गालियां दोगे, आप भी उसी में से एक हो, आप भी हमारे भाई और बेटे हो, हमारे भाई भतीजे, हमारे चाचा ताऊ, हमारे आप भी हमारे परिवार से है, किसान परिवार से हैं। तो आपको इस बात के लिए आप माफी मांगे, ये बात आपकी गलत है। और इस तरह की बातें पत्रकारिता में से बह नहीं देती। आप लोग अपनी वाणी पे संयम रखें और इसके लिए आप माफी मांगे। और मैं एक बात और सभी को कहना चाहूंगा, जिन भाइयों इनने भाई को धर्मू को, आप पूरे 80 करोड़ किसान समाज को ये नहीं कह सकते ऐसी तैसी करी गई है, ये बात आपके लिए शोभा नहीं देती। आपका झगड़ा एक 10-5 आदमी से हुआ, हमारा भी होता परिवार में, तो उसका मतलब ये नहीं है मेरे साथ झगड़ा हो जाए गांव में, गवांड में, कहीं भी हो जाए, तो मैं पूरे किसान समाज को कहूंगा, 80 करोड़ किसान समाज को गालियां दूंगा कि ऐसी तैसी करी गई। नहीं भाई, आप
चलो हमने माना आप में गुस्सा था उस बात पे, लेकिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने, और ये घर परिवार में बात होती है तो इनको बैठ के निपटाया जा सकता है, और अभी भी निपटाएंगे। आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे किसान समाज से हो, तो आपको ये सब बयानी देता भाई, इस तरह की बातें न करें, अपनी